नमस्कार दोस्तों। दर्द सबको होता है, पेन सबको होता है, और काफी लोगों ने पूछा था कि होम्योपैथिक में कोई पेन किलर मेडिसिन आती है कि नहीं। तो आज मैं एक पेन किलर मेडिसिन बताऊंगा और कुछ उसके बारे में बातें करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में एक पेन किलर मेडिसिन आती है R81, और ये डॉक्टर रेकबैक जर्मनी की होम्योपैथिक मेडिसिन है R81। और आप ऊपर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, और ये बहुत ही अच्छी पेन किलर है। होम्योपैथिक में आपको किसी भी तरह का दर्द हो, सिर दर्द हो, आँखों में दर्द हो, या कहीं भी दर्द हो, आपको जोड़ों में दर्द हो या मांसपेशियों में दर्द हो, आपके मसल में, काफ मसल में पेन हो, या कहीं भी आपको दर्द हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी भी प्रकार के पेन के लिए एज अ पेन किलर आप यूज कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन R81। तो दोस्तों ये देखिए R81, मैं आपको थोड़ा सा चारों तरफ से दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा व्यूज देखने में और दवाई को समझने में मददगार होगी। और इसके अंदर 22 ml की फाइल आती है, 22 ml की फाइल, 22 ml की, तो ये खुल नहीं रही है खुल भी। और ये फाइल सिंपल, जैसे आर ग्रुप, आपने मेरे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, तो आर ग्रुप के जो मेडिसिन रहती है वो सेम ऐसी ही मेडिसिन है, और सेम प्राइस है, 200 रुपये की आती है। शायद इस समय प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए 200 रुपये की ये मेडिसिन आती है। तो अब चलते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बात करेंगे कि ये R81 में कॉम्बिनेशन क्या है, इसके अंदर मेडिसिन क्या क्या डली हुई है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये कैसे मेडिसिन लेनी है और कितनी असरकारक है ये मेडिसिन पेन को, दर्द को ठीक करने में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन डली है कॉकुलस, और कॉकुलस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हेडेक के लिए, मतलब सिर दर्द के लिए। अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आते हो, साथ में सिर दर्द हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और मेंसेस के दौरान पेन होता हो, मतलब मेंस के दौरान आपको दर्द होता हो, तो फीमेल हैं आप और आपको मेंस के दौरान अगर दर्द रहता है, तो उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं, और ये डिसमेनोरिया में भी कॉकुलस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसमें कॉकुलस मेडिसिन डली हुई है। और दोस्तों दूसरी मेडिसिन है एरेनिया डायडेमा, और ये नसों में दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर कहीं भी ये आपका शोल्डर में अगर पेन होता है, नसों में दर्द रहता है यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल में, तो एरेनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों एक मेडिसिन इसमें डली हुई है सिंसिफ्यूगा, और सिंसिफ्यूगा मसल पेन में बहुत ही इफेक्टिव है। कहीं भी आपको मसल में दर्द हो, मस्कुलर पेन जो बोलते हैं, हल्का सा जो दर्द रहता है, उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव है। पेट के दर्द में सिम्सिफ्यूगा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये R81 पेट का दर्द रहता है, आप घर पे रखिए, अगर आपको कहीं भी दर्द होता है तो ये R81 ले सकते हैं। बाद में मैं बताऊंगा वीडियो के कि कैसे लेना है। अभी ये सिम्सिफ्यूगा जो है वो मसल पेन में और पेट के दर्द में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और न्यूरेल्जिया में भी ये इफेक्टिव है, तो इसमें सिम्सिफ्यूगा भी डली हुई है। और दोस्तों एक मेडिसिन है इसमें सिट्रस कोलोसिंथेसिस और कोलोसिंथ ग्रुप की ये मेडिसिन है, पेट के दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। पेट में कहीं भी दर्द हो, बाइल में बहुत अच्छा असर करती है, गाल ब्लैडर का पेन होता है, इसमें ये बहुत ही इफेक्टिव है सिट्रस कोलोसिंथेसिस। ये कोलोसिंथ ग्रुप की मेडिसिन है, कोलोसिंथ नहीं है, तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं। और ये मेडिसिन गाल ब्लैडर में बहुत ही इफेक्टिव है, पेन, गाल ब्लैडर पेन में, गाल ब्लैडर स्टोन के पेन में, कॉलीलिथियासिस के पेन में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और साथ ही साथ न्यूरेल्जिया में, बैक पेन में बहुत ही ज़्यादा, तो आपको कमर में अगर दर्द रहता है तो सिट्रस कोलोसिंथेसिस आप ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली मार्केट में नहीं मिल पाती है, अगर आपको मिल जाती है तो उसको आप ले सकते हैं, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, मदर टिंचर, तो अगर आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो R81, अगर आपको बैक पेन है तो आप यूज़ कर सकते हैं पेन के लिए एज अ पेन किलर। और दोस्तों एक मेडिसिन है जेल्सीमियम, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, कमजोरी के कारण अगर आपको दर्द होता है, तो जेल्सीमियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसमें जेल्सीमियम डली हुई है। और दोस्तों एक मेडिसिन है स्पाइजीलिया, तो स्पाइजीलिया सब जानते हैं हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, तो स्पाइजीलिया से अच्छी मेडिसिन नहीं होती, नेट्रमकार भी होती है लेकिन स्पाइजीलिया से अच्छी मेडिसिन नहीं होती, तो स्पाइजीलिया भी इसमें डली हुई है हेडेक के लिए, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, सिर दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन डली हुई है इसमें सैक्लामेन, और सैक्लामेन भी हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन डली है जिंको, और जिंको हेडेक के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन, और क्रैम्प्स आ जाते हैं जो आपको खिंचाव हो जाता है मसल्स में, उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि R81 में डली हुई। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन R81 में डली हुई है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कि इसके डोजेस क्या हैं, कैसे लेना है R81 को। R81 को आपको थोड़े से पानी में, मतलब आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल के, नॉर्मली आपको अगर दर्द बना रहता है
जैसे आपका कमर दर्द हल्का हल्का बना रहता है या घुटनों का दर्द हल्का हल्का बना रहता है, हमेशा रहता है, तो आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर आपको एकदम से पेट का दर्द हो गया है, एकदम से सिर दर्द हो गया है, तो कैसे इसको लेना है। तो अगर आपको एकदम से पेट का दर्द हो गया है या एकदम से आपको सिर का दर्द हो गया है, तो आपको इसको आधे आधे घंटे में वही आधे का पानी में 10 से 15 बूंद डाल के आधे आधे घंटे में 3 से 4 बार आप ले लेंगे तो सिर दर्द उतर जाएगा या पेट पे दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको लेना है। अगर 3 से 3 बार 4 बार आधे आधे घंटे में रिपीट करते जाएंगे जब तक दर्द ठीक नहीं हो जाता, और 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो दर्द बिल्कुल आराम हो जाएगा, एज अ एनाल्जेसिक जैसा काम करेगी, पेन किलर जैसे काम करेगी। दोस्तों इस दवा को R81 को आप घर में रख सकते हैं एज अ एनाल्जेसिक, एज अ पेन किलर, जैसे आप पेन किलर की गोलियां पैरासीटामोल वगैरह घर पे रखते हैं, उसको ना रख के आप इसको रखेंगे तो ये आपको एज अ पेन किलर, कहीं भी हेडेक हो जाए, कुछ पेट में दर्द हो जाए हल्का फुल्का, काफ मसल में पेन हो जाए, स्ट्रेन हो जाए, खिंच जाए मसल, कहीं घूमने जा रहे हो, हल्का सा छोटा मोटा एक्सीडेंट जो हो जाता है, उसके लिए R81 ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप 2-3 बार आप जैसे मैंने बताया कि रिपीट करके आधा आधा घंटे में आप लेंगे एज अ पेन किलर, पेन ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है R81, आप घर पे रख लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको R81 का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक का बटन नीचे दिया गया है उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। तो अगर आपको मेरे ऐसे ही वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़, होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोज़ और डिसीज़ के बारे में, आपको कोई बीमारी है तो बीमारी के बारे में आपको देखना है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे पेन किलर, पेन के बारे में आप देख रहे हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीआरटिका, ये सब की बीमारियों की अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है, बीमारी के बारे में बताया और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।